हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस निकालना, जो कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का टॉपिक है, जिसमें मैं आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाऊंगी। वो ये है, यहाँ पर आपको सीरीज दी हुई है, समीशन एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 टू द पावर एन जेड टू द पावर एन डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल। बहुत ही सिंपल सी सीरीज गिवन है, जिसको आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं ईजिली। एन की वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक रखते जाना है आपको। सो इस सीरीज़ का रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, ये किस रीजन में कन्वर्ज करेगी, कॉम्प्लेक्स प्लेन जो है उसमें ये कहाँ किस रीजन में कन्वर्ज करेगी, ये हमें निकालना है। सो इसके लिए हम यूज़ करेंगे रेशियोज टेस्ट का, जिसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, आप लिंक है डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। उससे आपको समझ में आएगा कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए हम रेशियोज टेस्ट का कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं लिख देती हूँ nth टर्म, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं un से। un क्या है? nth टर्म ऑफ द सीरीज। तो वो हमें कितना दिया है, माइनस 1 टू द पावर n z टू द पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। तो अब हम निकालेंगे n प्लस 1th टर्म, जो कि आपकी आ जाएगी जब आप n की जगह n प्लस 1 रख दें इसी टर्म में। तो ये होगा माइनस 1 टू द पावर n प्लस 1 जेड टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 फैक्टोरियल। तो हमने रेशियोज टेस्ट में ये पढ़ा है कि हमें एक लिमिट की वैल्यू चेक करनी होती है। वो लिमिट की वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो हमारी सीरीज़ कन्वर्जेंट होती है, ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज़ डाइवर्जेंट होती है, और इक्वल टू 1 पे हमारा टेस्ट फेल हो जाता है, तो हम अनदर टेस्ट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी हम वही लिमिट निकालेंगे, जो कि इस तरह से होती है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ यू एन प्लस 1 अपॉन यू एन। इस लिमिट की वैल्यू पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो हम ये वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये जो आपका सीरीज़ है, ये सेंटर पे तो कन्वर्जेंट है। कैसे? जब आप जेड की वैल्यू ज़ीरो रखेंगे इस सीरीज़ में, तो ये क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो बन जाएगा, हर एक टर्म ज़ीरो हो जाएगा आपका। दैट मीन्स कि ये सीरीज़ क्या है, कन्वर्जेंट है। कहाँ पर? एट अ पॉइंट जेड इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ क्लियरली, दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट एट जेड इज इक्वल्स टू ज़ीरो। मतलब इस पॉइंट पे, सेंटर पे तो हमारी सीरीज कन्वर्जेंट है, इसके अलावा इसका रीजन क्या है वो हम चेक करेंगे। दैट मीन्स कि ये जो कंडीशन हम रेशियोज टेस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं फॉर जेड नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ हम लिख लेते हैं फॉर जेड नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो पर तो ये कन्वर्ज हो रही है, ये तो आप देख के ही बता पा रहे हैं। जेड इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे तो हर एक टर्म ज़ीरो हो जाएगी, तो ये सीरीज़ कन्वर्जेंट हो जाएगी। इसलिए तो हम निकाल लेते हैं ये लिमिट, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ यू एन प्लस 1 की वैल्यू रख दीजिए इस टाइप से, और डिवाइड में रख देंगे हम यू एन की वैल्यू, माइनस 1 टू द पावर n z टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। अब इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर z टू द पावर n है, यहाँ भी है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस 1 टू द पावर n भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ओनली बचेगा माइनस 1 z टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय ये जो n प्लस 1 फैक्टोरियल है, इसको हम लिख सकते हैं n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, और फिर इससे कैंसिल आउट कर देंगे तो ये बचेगा n प्लस 1। और मॉड की वैल्यू है, मॉड एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, तो नेगेटिव साइन प्लस में चेंज हो जाएगा, ये बचेगा मॉड z डिवाइडेड बाय n प्लस 1। आप लिमिट लिख लीजिए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यहाँ भी। अब हमें रखनी है वैल्यू किसकी, लिमिट की, n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो यहाँ हम रखेंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी, दैट मीन्स मॉड z अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। एनी नंबर डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज़ ज़ीरो, तो ये हमारा क्या बन गया, ज़ीरो। ये किसके लिए है, व्हेन z इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। ध्यान रखिए, दिस वैल्यू इज़ व्हेन
जेड इज इन्फिनिटी इज इक्वल टू जीरो. सो ये लिमिट की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉड यू एन प्लस वन अपॉन यू एन इज इक्वल टू जीरो. एंड ये ज़ीरो है, ज़ीरो क्या होता है, लेस देन वन होता है. रेशियोज टेस्ट में हमने पढ़ा है कि लेस देन वन ग्रेटर देन वन, इसके लिए सीरीज़ कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट होती है. तो यहाँ पर हमारी वैल्यू ज़ीरो है जो कि लेस देन वन है. इसका मतलब कि बाय रेशियोज टेस्ट से हम लिख सकते हैं कि द सीरीज इज एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट. ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन है यहाँ पर, एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट फॉर मॉड जेड नॉट इक्वल टू ज़ीरो, या लिख लीजिए जेड नॉट इक्वल टू ज़ीरो. ठीक है, हमारी सीरीज एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट है, एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट. सो एवरी एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू. ठीक है, एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट होगा, कन्वर्स नहीं कह सकते हम. सो हमारी सीरीज क्या है, एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट है z नॉट इक्वल टू ज़ीरो के लिए. दैट मीन्स कि कन्वर्जेंट है z नॉट इक्वल टू ज़ीरो के लिए, और z इक्वल टू ज़ीरो पे कन्वर्जेंट है. दैट मीन्स कि एनी वैल्यू, फॉर एनी वैल्यू ऑफ z द सीरीज इज कन्वर्जेंट. तो हमारी सीरीज किसी भी वैल्यू ऑफ z के लिए कन्वर्जेंट है. इसका मतलब कि इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, होल कॉम्प्लेक्स प्लेन है, पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन, ये पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में कन्वर्जेंट है. ठीक है, सो आंसर क्या हो जाएगा इसका, द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इज होल कॉम्प्लेक्स प्लेन, दैट मीन्स सी. ठीक है, अगर मैं इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन को सी से रिप्रेजेंट करूं तो होल कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये कन्वर्जेंट है. सो आंसर इज सी. इस टाइप के क्वेश्चंस आपके कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं रीजन ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के लिए. उसमें ऑप्शंस ऐसे सी, ज़ीरो, इन्फिनिटी इस तरह से दे दिया जाता है. तो आपको पता चलना चाहिए कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इसका क्या होगा, होल कॉम्प्लेक्स प्लेन होगा. ठीक है, आज मेरे 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं, जिसके लिए मैं आप सभी को थैंक यू कहना चाहती हूँ. मेरी पूरी YouTube फैमिली को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद. इसी तरह से मेरे चैनल को सपोर्ट अपना देते रहिए.